ये टीएसपी टनोरा के सामने ये आप देख रहे हैं कि अलखदमत रोड पर ये दावत इस्लामी का मदरसा मस्जिद कायम है। ये आप देख सकते हैं कि ये मदरसा जामा मस्जिद फिजान मदीना की बिल्डिंग कायम है। इसको आप देख रहे हैं फिजान मदीना की पार्किंग, और ये तकरीबन काफ़ी अरसे से काम बनाई है। ये ओल्ड घर का इलाका है जो कि मुस्लिम कमेटी की हकूमत में शामिल है। ये जिस वक्त मैंने कॉलोनियों का केस दाखिल किया तो ये इलाका मुस्लिम कमेटी टनोलियार की हकूमत में आया, और आने के बाद अब ये सिटी सर्वे बी के अंदर है। इसमें पहले कचरे के ढेर की सफाई की गई, उसे भराई करके और उसके बाद इस पर यह तामीर हुआ। इसमें लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वगैरह किया, ये दीनी मदरसा है। अब इसी तरीके से आप गोश्त मार्केट के करीब जब जाएंगे तो आपको एक मस्जिद मिलेगी, वो भी गवर्नमेंट की अराजी है। जबकि आप जिस वक्त बच्चानी हाउस के सामने जाएंगे तो वो भी आप खट पर ही वो मस्जिद देखेंगे। इसी तरीके से कुछ इस्लामी मस्जिद का एरिया, वो भी रोड की हदूद में आता है। इस तरीके से ईदगाह का कुछ एरिया मुतलका औकाफ की मिल्कियत भी है, और ये मेन रोड पर कायम है। लेकिन जो कंडीशन है, अच्छा आप चमन नाके पर मस्जिद को देख लें, वो भी रोड पर है, लेकिन दीन इस्लाम में बाकायदा कहा है कि मस्जिद की जगह ख़रीद कर बनाओ। अब ये किस तरीके से लीज़ दी है, ये तो हुकूमत सिंध या मुतलका अदारा मुस्लिम कमेटी टनोलियार बताएगी। अब इन तमाम हालात को एक मुस्लिम की हैसियत से वो देखना आपका काम है। क्या गवर्नमेंट की किसी जगह पर कोई मस्जिद तामीर हो सकती है? आज की नौजवान नस्ल को ये तमाम हालात में इसलिए बता रहा हूँ कि वो खुद देख सकते हैं। और ये अलखदमत जाने वाला रोड है, चमन लाके वाली मस्जिद भी आप देख सकते हैं, आप अब्दुल सत्तार बच्चानी पेट्रोल पंप के सामने वाली मस्जिद भी देख सकते हैं। ये तमाम मस्जिदें तामीर की गई। अब ये आपका काम है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। ओल्ड साहबी राजा असलम खानजादा टनोलियार सिंध, पाकिस्तान, जिंदाबाद।